गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आईआईटी जेई से रिलेटेड एग्जाम है। यहाँ पे एक्सटेंस टू इन्फिनिटी दिया है और ऊपर तो देख ही रहे हैं 4x+1 टर्म दिया है। ये इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी। हम लोग जानते हैं कि ये एपी में है, तो इसका सम निकालने का फार्मूला, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है इतना, तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं एन, उसके बाद होता है n+1/2। ये फार्मूला होता है एपी का नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। नंबर ऑफ टर्म दिया रहता है तो सम निकालने के लिए n+1/2, और नीचे वाला ऐसे उतार देंगे, नीचे का है x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका 4x+1, इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4x+2, वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x+1 और बाई 2, और ये नीचे का कुछ मतलब नहीं है, चुपचाप उतार देंगे, यहाँ से 2 और 2 कट गया। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8x स्क्वायर 4x, फिर 1 में 2x से 2x, फिर 1, और नीचे का भी ब्रेक कर देंगे, a+b का होल स्क्वायर a² 2ab+b²। ठीक है, और इसको बढ़िया से ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 8x², ये हो गया 6x+1, और यहाँ पे हो गया x² 2x+1। एक और बात बता देना चाहते हैं, जब भी देखिए नीचे की तरफ कभी भी x आएगा और x का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। ये बहुत काम का चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, x², तो सबको x² से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे सबको। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, इसको अगर x² से डिवाइड, x कट गया तो यहाँ पे 6/x आएगा, इसको 1/x² हो जाएगा, 1/x², ये सारा मन में कर दे रहे हैं, इसको x² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको x² से डिवाइड करेंगे तो x और x कट जाएगा, 2/x आएगा, तो ये हो गया 2/x, और इसको करेंगे तो 1/x² आएगा। तो हम अभी क्या बोले थे, जिसके नीचे x आएगा और x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू 0 हो गया, तो बचा क्या, 8 और 1। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 8/1 और 8। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।